वेलकम डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन इन अबेकस मैथ्स क्लास। हम लोग सिंपल एडिशन करना अबेकस पर सीख चुके हैं और हमने अबेकस पर स्मॉल फ्रेंड भी सीख लिया है। अब हम समझने वाले हैं व्हाट इज़ बिग फ्रेंड। तो बिग फ्रेंड क्या होता है, उसका यूज़ हम कैसे करेंगे और बिग फ्रेंड का यूज़ हमें करना क्यों पड़ेगा, इन सब प्रश्नों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाई वी यूज़ बिग फ्रेंड। बिग फ्रेंड हमें क्यों लगाना पड़ेगा? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, टू एंड फाइव, ये एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपको सेकंड दिया है, टू प्लस टू, और एक क्वेश्चन आपको दिया है थर्ड, फाइव प्लस फोर प्लस वन। इन तीनों क्वेश्चन को हम समझते हैं और देखते हैं कि क्या ये सिंपल एडिशन से या स्मॉल फ्रेंड से तीनों प्रश्न हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट रोड है और यहाँ हमारा फाइव वाला बिट है और यहाँ फोर बिट्स हमारे पास यहाँ दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्लस टू करना है, तो हम इजीली ये प्लस टू को अप कर देंगे और फिर प्लस टू करना है तो नीचे वाले जो टू बिट्स हैं इनको फिर हम अप कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा फोर, और उसके बाद ये जो फाइव वाला बिट्स है इसको हम नीचे कर देंगे और टोटल हमारा आंसर आ जाएगा नाइन। तो ये हम सिंपल एडिशन से टू प्लस फाइव कर सकते हैं। अब आइए अब हम सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में प्लस टू करना है, दिस इज़ प्लस टू, इन दोनों बिट्स को हम ऊपर की ओर कर सकते हैं। फिर अगेन प्लस टू करना है तो इन दो नीचे वाले बिट्स को भी हम ऊपर कर सकते हैं। अब अगेन टू बिट्स हम कर नहीं सकते, अगेन टू बिट्स हम नहीं कर सकते क्योंकि अब हमारे पास नीचे ज़ीरो बिट्स बचे हैं, कोई बिट्स नहीं बचा है। तो उसके लिए हम स्मॉल फ्रेंड का यूज़ करते हैं। आपको याद होगा टू का स्मॉल फ्रेंड होता है -3 + 5, तो इन फोर बिट्स जो ऊपर हैं उनमें से तीन बिट्स को हम नीचे करके और फाइव को नीचे लाएंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 and 1 6, सो आवर आंसर विल बी 6 हियर। नाउ वी सी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में आप देखिए, अगर हम फाइव वाले बिट्स को नीचे की ओर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5। इसके बाद फोर करना है तो चारों बिट्स को हम ऊपर कर देते हैं, 1 2 3 and 4। अब हमारे पास नीचे कोई बिट्स नहीं बचा है, नीचे बचे हैं 0 बिट्स, और ये हमसे कह रहा है कि प्लस वन कीजिए। तो क्या प्लस वन करना हमारे लिए संभव है? नहीं। अब हम देखते हैं प्लस वन का स्मॉल फ्रेंड होता है -4 + 5, ये होता है हमारे पास स्मॉल फ्रेंड। तो आप देखें कि माइनस फोर तो मैं कर सकता हूँ लेकिन 5 तो पहले से ही प्लस है, अब इसको प्लस 5 हम कैसे करेंगे? तो इस सिचुएशन के लिए हमें बिग फ्रेंड की ज़रूरत होती है। इस सिचुएशन के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बिग फ्रेंड की। तो आइए अब हम समझते हैं बिग फ्रेंड क्या होता है और फिर आगे हम ये देखेंगे कि उसको हमें किस तरीके से यूज़ करना है। अगर आपने स्मॉल फ्रेंड को ठीक से समझा है तो बिग फ्रेंड को समझना बिल्कुल ही आसान है। तो आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज़ बिग फ्रेंड। ए प्लस बी, मान लीजिए ए और बी हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं और इनका सम हमारे पास आता है 10।
जो स्मॉल प्रिंट था उसमें ए और बी जो दो नंबर थे उनका सम आ रहा था 5। इसमें मान लीजिए ए और बी दोनों का सम हमारे पास आता है 10। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में देखिए 1, अगर 1 है तो इसमें क्या ऐड करें कि हमें 10 मिल जाए? तो आप जानते हैं 1 में अगर मैं 9 को ऐड कर दूं तो मुझे 10 मिल जाएगा। देयरफॉर 1 का जो बिग फ्रेंड है वो क्या होगा? 9। अब हम देखते हैं 2। 2 में ऐसा कौन सा नंबर है जो ऐड किया जाए तो हमें 10 मिल जाएगा? तो निश्चित रूप से 8। अगर हमें 2 का बिग फ्रेंड निकालना है तो हम 10 में से 2 को माइनस कर देंगे, व्हाट वी गेट? 8। देयरफॉर 8 इज़ द बिग फ्रेंड ऑफ 2। तो अब आप समझ गए होंगे 2 का बिग फ्रेंड क्या होगा? 8। इसी तरीके से 3, 3 में क्या ऐड करने पे 10 आएगा? 7। देयरफॉर बिग फ्रेंड ऑफ 3 इज 7। नाउ 4, 4 में क्या ऐड किया जाए कि 10 मिल जाए हमें? 6। सो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। देयरफॉर बिग फ्रेंड ऑफ 4 इज 6। नाउ 5, 5 का बिग फ्रेंड क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि 5 में 5 ऐड कर देने पे हमें 10 मिलता है। नेक्स्ट 6, 6 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है? 10। देयरफॉर बिग फ्रेंड ऑफ 6 इज 4। 7, 7, 7 में 3 ऐड करने पे हमें मिलता है 10। देयरफॉर बिग फ्रेंड ऑफ 7 इज 3। 8 का बिग फ्रेंड हमें मिल जाएगा 2, बिकॉज 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। एंड 9 का बिग फ्रेंड हमारे पास क्या होगा? 1, बिकॉज 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो आप समझ गए होंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट द बिग फ्रेंड ऑफ नंबर्स। एक बार और हम देखते हैं, 1 का बिग फ्रेंड हमारे पास क्या होगा? 9। 2 का बिग फ्रेंड हमारे पास होगा 8। 3 का बिग फ्रेंड होगा 7। 4 का बिग फ्रेंड होगा 6। 5 का बिग फ्रेंड होगा 5। 6 का बिग फ्रेंड होगा 4। 7 का बिग फ्रेंड होगा 3। 8 का बिग फ्रेंड होगा 2। एंड 9 का बिग फ्रेंड होगा 1। अब जिस तरीके से हमने स्मॉल फ्रेंड में पॉजिटिव फ्रेंड और नेगेटिव फ्रेंड देखे थे, इसी तरीके से यहाँ भी पॉजिटिव बिग फ्रेंड होते हैं और नेगेटिव बिग फ्रेंड होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पॉजिटिव बिग फ्रेंड। आपको एक और चीज़ मैं याद दिला दूँ, प्लस का फ्रेंड क्या होता है? माइनस, और माइनस का फ्रेंड क्या होता है? प्लस। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं पॉजिटिव बिग फ्रेंड्स। पॉजिटिव बिग फ्रेंड जब हम देख रहे हैं तो 1, 1 का बिग फ्रेंड होगा हमारे पास 1, चूँकि प्लस में है वो बिग फ्रेंड होगा माइनस में, तो माइनस 9, और जब भी माइनस 9 करेंगे तो प्लस क्या करेंगे? 10। 2 का बिग फ्रेंड हमारे पास होगा, हमें पता है माइनस 8, और माइनस 8 करेंगे तो प्लस में क्या करेंगे हम? 10। 3 का बिग फ्रेंड हमारे पास होता है माइनस 7, और माइनस 7 में हम 10 प्लस कर देंगे। 4 का बिग फ्रेंड हमारे पास होगा माइनस 6 एंड प्लस 10। 5 का बिग फ्रेंड होगा माइनस 5 प्लस 10। 6 का बिग फ्रेंड हमारे पास होगा माइनस 4 प्लस 10। 7 का बिग फ्रेंड हमारे पास होगा माइनस 3 प्लस 10। 8 का बिग फ्रेंड हमारे पास होगा माइनस 2 प्लस 10। और 9 का बिग फ्रेंड हमारे पास होगा माइनस 1 प्लस 10। सो बिग फ्रेंड ऑफ 1 इज माइनस 9 प्लस 10। 2 का बिग फ्रेंड अगर हमें देखना है तो 2 का बिग फ्रेंड क्या होगा? माइनस 8 प्लस 10। 3 का बिग फ्रेंड क्या होगा? माइनस 7 प्लस 10। 4 का बिग फ्रेंड माइनस 6 प्लस 10। इसी तरीके से आपको याद करना है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द बिग फ्रेंड ऑफ 5, तो आप कहेंगे माइनस 5 प्लस 10। अगर 6 का बिग फ्रेंड पूछें तो क्या कहेंगे? माइनस 4 प्लस 10। 7 का बिग फ्रेंड माइनस 3 प्लस 10। 8 का बिग फ्रेंड माइनस 2 प्लस 10।
एंड 9 का बिग फ्रेंड माइनस 1 प्लस 10। तो ये थे हमारे पॉजिटिव बिग फ्रेंड्स। आइए अब हम देखते हैं नेगेटिव बिग फ्रेंड्स। पॉजिटिव बिग फ्रेंड्स का यूज़ हमें कब करना है? जब हमें कोई नंबर प्लस करना है। और नेगेटिव बिग फ्रेंड का यूज़ हमें कब करना है? जब हमें कोई नंबर माइनस करना है। तो आइए देखते हैं नेगेटिव बिग फ्रेंड। माइनस वन, माइनस वन का बिग फ्रेंड क्या होगा? प्लस 9 और माइनस 10। भाई इतना सा आपको ध्यान रखना है माइनस और प्लस का। 1 का बिग फ्रेंड हमेशा 9 होगा, 9 का बिग फ्रेंड हमेशा 1 होगा, लेकिन हमें सिर्फ प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। माइनस 2 का बिग फ्रेंड प्लस 8 माइनस 10। तो अगर हमें माइनस 2 करना है और माइनस 2 नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? प्लस 8 कर देंगे और माइनस 10 कर देंगे। माइनस 3 का बिग फ्रेंड, माइनस 3 का बिग फ्रेंड हमारे पास होगा प्लस 7 माइनस 10। माइनस 4 का बिग फ्रेंड, माइनस 4 का बिग फ्रेंड हमारे पास होगा प्लस 6 माइनस 10। और माइनस 5 का बिग फ्रेंड, माइनस 5 का बिग फ्रेंड हमारे पास होगा प्लस 5 माइनस 10। माइनस 6 का बिग फ्रेंड वो हमारे पास होगा प्लस 4 एंड माइनस 10। माइनस 7 का बिग फ्रेंड ये होगा प्लस 3 माइनस 10। माइनस 8 का बिग फ्रेंड प्लस 2 माइनस 10। माइनस 9 का बिग फ्रेंड ये होगा हमारे पास प्लस 1 माइनस 10। तो ये थे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव बिग फ्रेंड्स। इनको आप अच्छे से देखिए, इनको समझिए और एक बार इनको आप याद कर लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव बिग फ्रेंड्स को। उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जब आप करेंगे तो काफ़ी इजीली आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको बिग फ्रेंड काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके और समझ सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।